वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। परमवीर सिंह ने पद से हटाए जाने के बाद खुलासा किया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था और उसके बाद ही जब ये पोल खुली तो उनका तबादला कर दिया गया। इसके बाद परमवीर ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की थी और इस चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया गया था। परमवीर के वकील बोले, परमवीर की चिट्ठी में कड़वी सच्चाई लिखी गई है, इसलिए उनको सजा मिली है। आपको बता दें, परमवीर सिंह की जनहित याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। इससे पहले वे सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां से उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया। परमवीर ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की है। परमवीर सिंह के आरोपों और सचिन वाजे को लेकर इस वक्त जो बहस थी वो बड़ी हो गई है और अब इस मामले की सुनवाई सीधे हाईकोर्ट में हो रही है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।